अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3B और टॉपिक का नेम है लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अभी तक हम लोगों ने एसिड और बेसिस के दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और दूसरा था ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। आज हम थर्ड वन पढ़ेंगे जो कि है लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अच्छा अब लिविस के अकॉर्डिंग जो है वो एसिड क्या होता है। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसके ट्रांसफ़र पे, ठीक है, जैसे हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र पे पढ़ा था, ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र। ठीक है, तो एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ठीक है एसिड्स जो हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, जबकि बेसिस जो हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिविस। ओके, तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, तो ये उसकी एग्जांपल्स इसमें आएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो है लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इसमें रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ब्रेक पेस बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अमोनिया एंड एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन पेयर बाय बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर रिएक्शन में होगा ये, आपको पता है कि बोरॉन जो है वो 13 ग्रुप का मेंबर है, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। अब उसको ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स मोर चाहिए। ठीक है, अब फ्लोरीन उसके साथ आके अटैच हो रहे हैं, एक एक उन्होंने शेयर कर दिया, तो अब फ्लोरीन के बोरॉन के पास कितने हो गए, 2, 2, 4 एंड 2, 6। ठीक है, अभी भी उसको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या होगा, अब उसके साथ कोई ऐसी स्पीशी जो है वो रिएक्ट करेगी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 15 ग्रुप का मेंबर है, नाइट्रोजन उसके पास वैलेंस शेयर में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए, 1, 2 एंड 3, इसके हो गए 6 ये और 2 ये, 8 पूरे। अब ये जो 2 है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये है तो वैलेंस शेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इसलिए एज अ लोन पेयर ये यहाँ पर मौजूद है। अब ये किसी दूसरे के साथ इसको शेयर कर सकता है, ठीक है, डोनेट उसको कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरॉन को दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएंगे तो बोरॉन का भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ने कंबाइन किया, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दिया, तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना। ठीक है, BF3 और NH3 दोनों मिले, ये सेंटर में जो एरो है जो कि हमारे पास डोनर से एक्सेप्टर की तरफ है, ठीक है, ये यहाँ पे शो कर रहा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये दोनों मिलके कम्प्लेक्स सा हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं अडक्ट। ठीक है, एक्चुअल में ये है क्या, एसिड बेस पेयर है। लिविस कंसेप्ट में हमारे पास जब प्रोडक्ट बनती है तो उसमें एसिड बेस के पेयर को हम अडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं, ये है हमारे पास प्रोटॉन, जब ये अमोनिया के साथ आके रिएक्ट करता है तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर इसको दे देता है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जब इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है तो हमारे पास फिर से अडक्ट बन गई। ठीक है, अमोनियम रेडिकल। सिंपली हमारे पास कंसेप्ट था लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का। ये आप लोग 9th क्लास में जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था ये सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो एरो है उसका हेड होगा हमारे पास डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। ठीक है, यानी टेल जो होगी वो डोनर की तरफ होगी और हेड होगा वो एक्सेप्टर की तरफ होगा। अब बात करते हैं, तो हमारे पास लिविस एसिड्स एंड लिविस बेसिस, इनमें हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह डिफरेंस की फॉर्म में भी करना है, आपकी बुक में डिफरेंस की फॉर्म में नहीं है बल्कि जो है पैराग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह पॉइंट्स बना के उसको स्टडी करना है। तो हमने बात की कि वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, वो होती है ए से, याद रखना, एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ए से एसिड और ए से एक्सेप्टर। ठीक है, तो एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, जबकि बेसिस इसके ऑपोजिट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। इसी तरह अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए उसके लिए अब इलेक्ट्रॉन को कोई घर भी तो चाहिए ना उसको रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए जो घर चाहिए, इसका मतलब एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल भी होना चाहिए, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वो उसमें
मूव कर सकें। ठीक है, इसका मतलब एसिड से होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने के साथ साथ उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी होना चाहिए। ठीक है, जबकि बेसिस जो होती हैं उनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, अनशेयर्ड। यहाँ मैंने भी आपको बताया था ना कि नाइट्रोजन जो है इसने ये तीन जो है वो शेयर कर लिए थे, जबकि ये दो जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ये अनशेयर्ड है। ठीक है, ये एज अ बेस एक्ट कर रही है। यहाँ समझ आ गई आपको कि बेसिस जो है उनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि एसिड्स के पास एक्स्ट्रा या एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स में हमारे पास जो सेंट्रल एटम होता है वो उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। जैसे यहाँ पे देखें, बोरोन जो है इसने ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए ही तो नाइट्रोजन से लिया था ना दो ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके पास 6 है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट है। ठीक है, जबकि बेसिस जो होती हैं उनके पास 1 लोन पेयर होता है, जैसे कि यहाँ पे बेस हमारे पास जो होनी है उसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये 7 इवन है, ये आप लोगों ने करनी है। ओके, लिविस एसिड्स अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब ये कैटायंस जो होते हैं एक्सेप्ट करने के बाद उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो कैटायंस इसका मतलब है कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हैं। ठीक है, तो वो तमाम केटायंस जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, एक्चुअल में केटायंस ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो केटायंस जो हैं वो एसिड्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, जिन पे पॉजिटिव साइन होगा वो एसिड्स के तौर पे एक्ट करेंगे, जिन पे नेगेटिव साइन होगा वो एज अ बेस एक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंस में आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में भी करना है। ये हमारा हो गया कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू लेविस। ठीक, पेज नंबर 26 पे आपका ये समरी है, तमाम कंसेप्ट जो हमने पढ़े थे जिनमें हमारे पास आर्हेनियस का कंसेप्ट आता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट आता है, और आज जो हमने पढ़ा था वो है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये तीनों कंसेप्ट जो हैं इनकी हमारे पास जो है एक समरी मौजूद है, चलें इसको देखती हैं। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स जो होते हैं वो एच पॉजिटिव देते हैं वाटर में, जबकि बेसिस हाइड्रोक्साइड देते हैं। ठीक है, और इनकी प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, सॉल्ट एंड वाटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी एसिड एंड बेस बनते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ओके, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, इसमें एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जबकि बेसिस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं, और इनकी प्रोडक्ट क्या होती है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। लिविस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो हैं वो एसिड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो हैं वो बेसिस होती हैं, और प्रोडक्ट इनकी क्या होती है, अडक्ट होती है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में समझी आ सकती है, इसको भी अच्छे से करना है। ओके, इट मे बी नोटेड दैट ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो लिविस बेसिस। ठीक है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो है वो एच पॉजिटिव देती हैं, सॉरी एक्सेप्ट करती हैं बेसिस, जबकि लिविस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने बात की, इट मे बी नोटेड दैट ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो लिविस बेसिस, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर नॉट लिविस एसिड्स। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन, वाइल अकॉर्डिंग टू लिविस बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों अपोजिट बातें हो रही हैं, इसमें एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें डोनेट कर रहा है। लिविस बेसिस जनरली कंटेन वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर दे कैन ऑल्सो एक्सेप्ट अ प्रोटोन, सो ऑल लिविस बेसिस आर ऑल्सो ब्रॉन्स्टेड बेसिस। ऑन द अदर हैंड, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर दोज विच कैन गिव अ प्रोटोन, फॉर एग्जाम्पल दीज आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे आर नॉट लिविस एसिड्स। ये आप लोगों ने अच्छे से ये भी याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हैं, चलिए हम इसको समझते हैं। आप ओके स्टूडेंट्स, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जो कि हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी टेबल की फॉर्म में, एसिड और बेस का जो डिफरेंस था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसमें आप लोगों के जितने भी एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस होंगे वो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, चले फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि एसिड्स जो होती हैं जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, एक्सप्लोजन होती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट फॉर्म में एसिड लेते हैं और हैवी मेटल्स नहीं ले रही। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिड्स रिएक्ट एक्सक्लूसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम, इनके साथ इसलिए रिएक्शन हम नहीं करते। ठीक है, हाउएवर डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट मॉडरेटली विद रिएक्टिव मेटल्स।
तो हमने क्या करना है, इसमें रिएक्टिव मेटल्स लेनी है और डाइल्यूट फॉर्म में एसिड्स लेने हैं, ठीक है। कंसनट्रेटेड जो होती हैं वो प्योर फॉर्म में होती हैं, यानी इसमें वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है। तो हमने इसमें क्या करना है, अगर हम हैवी मेटल्स और कंसनट्रेटेड फॉर्म में एसिड्स लेंगे और इनका रिएक्शन करवाएंगे तो एक्सप्लोजन होगी, ठीक है। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि डाइल्यूट फॉर्म में एसिड लेंगे और जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जब कभी भी मेटल्स जो हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमेशा सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, ठीक है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। जिंक जो कि एक मेटल है प्लस H2SO4 जो कि एक एसिड है, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो जिंक जो है वो SO4 के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना देता है, उसके साथ साथ H2 गैस जो है वो इवॉल्व होती है। इसी तरह जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो AlCl3 बनता है, उसके साथ साथ H2 गैस बनती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी है, कार्बोनेट्स जो होती हैं उसमें CO3 आता है जबकि बाई कार्बोनेट्स में HCO3 आता है, ठीक है। याद रखना है कि कार्बोनेट्स में CO3 जबकि बाई कार्बोनेट्स में HCO3 आता है, ठीक है। अच्छा, तो जब भी एसिड्स जो हैं वो कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ये हर गैस जो है वो हर रिएक्शन में अलग किस्म की गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, तो आप लोगों ने अच्छे से इनको जहन में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ नेम से शो हो रहा है कि कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स हैं तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। चलिए रिएक्शन देखते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, CaCl2 बनेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे CO3 जो है वो बनाएगा CO2 प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट जो है रिएक्शन, इसमें हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस CO2, ये CO3 था इसका बनेगा CO2, यहाँ पे O एक बच गया और वो H2, दोनों मिलके वाटर बना देंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो आपके हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब कभी भी एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करती हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए हम देखते हैं कि एसिड जो है वो HCl प्लस बेस, कोई सा भी एसिड और कोई सा भी बेस आप रिएक्ट करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बुक वाले ही करवाएं, लेकिन अगर आप कोई सा भी करवा रहे हैं तो वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। HCl प्लस NaOH जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl सॉल्ट। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे एच बच गया, वहाँ पे OH बच गया, दोनों मिले तो वाटर बन गया। इसी तरह नीचे वाले रिएक्शन में जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट CuSO4, उसके साथ यहाँ पे O बच गया और वहाँ पे क्या बच गया, H2, दोनों मिलके बनाएंगे H2O, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड्स एंड बाई सल्फाइड्स, ठीक है। चलें तो एसिड्स जब सल्फाइड्स और बाई सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट, उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। याद रखना है मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस, कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अगर सल्फाइड्स या बाई सल्फाइड्स के साथ करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। चले अब रिएक्शन करते हैं कैल्शियम सल्फाइड जो है जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CaCl2, ठीक है। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट दोनों मिलेंगे, उसके साथ SO2 जो है वो निकलेगी और साथ साथ वाटर बनेगा, ठीक है। इसी तरह नीचे वाला रिएक्शन देखते हैं NaHSO3 प्लस HCl, तो क्या होगा, फिर से Na और इसका फर्स्ट और इसका लास्ट दोनों मिले NaCl बन गया, प्लस ये H, यहाँ पे SO2 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक O बच गया, ये H और ये H, H2O, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद सल्फाइड्स, यहाँ पे सल्फाइड था, यहाँ पे सल्फाइड्स है, ठीक है।
सल्फाइड्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड थे और नीचे है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सिंपली रिएक्शन है जब फेरस सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो फेरस सल्फाइड बनता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ये हमारे पास थे रिएक्शन ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने इसको एज अ लॉन्ग भी करना है, एज अ शॉर्ट भी करना है, ये दोनों तरह से आ सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास है ये, डू यू नो फॉलोइंग एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, जिसमें हमारे पास HCl आता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। ये MCQ के लिए आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज ऑफ एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेज हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, एक्सप्लोसिव, पेंट, डाई, ड्रग्स। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज, ठीक है। आप लोगों ने 9th क्लास में जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पढ़ी थी उसमें हमने जो सेल्स पढ़े थे तो आप लोगों ने देखा था उसमें एक लिक्विड मटीरियल हमारे पास होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरीज जो हैं उसमें एज अ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज़ होता है, कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव, पेंट, ड्रग्स एंड इचिंग डिजाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जो थे बर्तन लाइक तांबा, जिसे पीतल, कांसी, इन पे नक्शो नगार बने हुए थे, ठीक है, जो डिज़ाइंस बने हुए होते थे उनमें जो है वो उनको बोलते हैं इचिंग डिज़ाइंस, ठीक है। तो ये नाइट्रिक एसिड जो है उसमें यूज़ होता है। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। टैनिंग मतलब टैनिंग ऑफ हाइड्स, जिसमें आता है खाल जो होती है ना जो जानवरों की, तो उसको उसकी कलरिंग की जाती है इस प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है बेंजोइक एसिड, तो इट इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, फूड जो है उसको स्टोर करने के लिए बेंजोइक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिटिक एसिड, ये भी फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो है फ्लेवरिंग ऑफ फूड, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि खाने में खटास पैदा करने के लिए भी हम एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, विनीगर जिसको बोलते हैं ना। इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वैस्प्स, भेड़ जो होती है ना उसके स्टिंग को क्योर करने के लिए भी एसिटिक एसिड यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरली अकरिंग एसिड्स, सिट्रिक एसिड जो होता है वो सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जितने भी सोर होते हैं ना खट्टे, जिसमें हमारे पास लेमन आता है, ऑरेंज आता है, ये सारे इसमें सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो फटे हुए दूध में, यानी जो ख़राब दूध होता है ना उसमें होता है। फॉर्मिक एसिड स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स, ब्यूटायरिक एसिड रैंसिड बटर, जो रैंसिड बटर होता है लाइक जो ख़राब हो चुका हो, ठीक है। टार्टारिक एसिड जिसमें टार्टरी या टमेरेंड या ग्रेप्स इसमें होता है, ठीक है, उसके अलावा एप्पल्स में भी होता है। मैलिक एसिड जो होता है वो स्पेशली एप्पल्स में होता है। यूरिक एसिड यूरिन में, स्टैरिक एसिड फैट्स में, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में भी आ सकता है। तो इसको भी आप लोगों ने, अगर आपको किसी एक एसिड का आता है तो हेडिंग बना के उसके यूजेस लिखने हैं, ठीक है, ये भी अच्छे से याद करना है। और ये भी यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से याद कीजिएगा और रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।